मेरी दीदी का सरप्राइज विजिट। बड़ा आलीशान घर है, चल कर देखती हूँ। अच्छा, यहाँ तो एक बच्चा घास भी काट रहा है। लगता है आज रात सबको कौवा बिरयानी खाने मिलेगी। पकड़ लिया, देखी चल रे जा की फूर्ती, अब कहाँ बचकर जाओगे बच्चों। ओए, मैं कौवा नहीं हूँ। अरे ये कौन सा परिंदा है जो मुझे ही उठाकर उड़ रहा है। मैं तुझे और भी ऊपर ले जा सकती हूँ, तेरे जैसे क्यूट बच्चे मुझे बहुत पसंद है। पहले पता होता तुम बोलने वाली जादूगरनी चिड़िया हो तो तुम्हें कभी नहीं पकड़ता। तुम हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं देखभाल करवाने के लिए। ओ, मैं जानती हूँ, मुझे ये बताओ तुम यहाँ सफाई क्यों कर रहे थे चुन्नू। मैं ना तो चुन्नू हूँ और ना ही मुन्नू हूँ, मुझे चुन्नू मुन्नू मत कहो। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल बड़ा कमजोर है और वैसे भी मैं यहाँ किसी बच्चे की देखभाल करने नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो? एमके की बहन उससे मिलने आने वाली है। कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है, कह दो। नहीं है झूठ, नहीं है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, इस साल की ब्रेकिंग न्यूज है ये, इससे तो अच्छा होता मैं मैदाने जंग में चला जाता। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ इसीलिए तो आई हूँ ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या करोगी नैनी? देखो, जब वो सोने जाएगी तो मैं उसे फिल्मी गाने सुनाऊंगी या फिर नया जादू सिखा है सुलाने का वो जादू से उसे सुला दूंगी। अच्छा, अब मेरा मुंह मत देखो और अंदर चलो, बाहर बड़ी ठंड है। अच्छा, वो कब तक रुकेंगी? ओह, सब कुछ बताती हूँ, पहले ये दरवाजा तो खोलो। अभी खोलता हूँ, पर पहले ये बताओ ना वो कितने दिनों के लिए आ रही है, क्या है हम भी आजकल बिजी रहते हैं। ओह, मुझे क्या पता, अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं उसे सालों तक यहीं रोके रखती। ओह, कोई है इस घर में? कोई है? मैं हूँ ना। चलो कुछ तो बोलना सिखाइए, जाओ और गेस्ट रूम में मेरा ये बैग रख दो। ठीक है। क्या फटी चर के में यार? यार शांत हो जा, मन में एक से दस्तक गिन और तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। बॉस, एक बड़ी मुसीबत आ गई है, नैनी हमारे घर आई है, अब तो गए काम से। क्या वो यहाँ आई है? हाँ, पर असली खबर तो सुन ली है, अभी मिल के आता हूँ। बॉस मेरी बात तो चल रही, जा मुझे बता ना असली खबर क्या है। नैनी बॉस के घर में बच्चों की देखभाल करती है, वो यहाँ आई है और वो कह रही है बॉस की दीदी यहाँ उनसे मिलने आने वाली है और हमें उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ? क्या कहा, एमके की दीदी उससे मिलने यहाँ आने वाली है? क्या वो क्यूट है? क्या वो क्यूट है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें उन्हें देखकर मिल ही जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, अभी तो घर की साफ सफाई करनी है। ओके। क्या बात है, एमके की दीदी भी है, उसने तो कभी बताया ही नहीं। अगर एमके के चमचे एमके की बहनें होती तो वो कैसी लगती। अरे कहीं एमके की दीदी तो नहीं आ गई? सुनिए, दरवाजा खटखटाने से कोई फायदा नहीं, मैं ऋतिक एमके के दोस्त, वो घर पर नहीं है। वो घर पर नहीं है तो नाचूं क्या? यहीला, तुम कौन हो, तुम तो किसी एंगल से एमके की दीदी नहीं लगती। माफ करना, मेरा मतलब था तुम खाते पीते घर की लगती हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? क्या कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे ऐसा सवाल करते हुए? तुम एमके की दीदी नहीं हो? कौन एमके, किसकी दीदी, मैं तो यहाँ साफ सफाई करने आई थी। सफाई करने? भागता किधर है? आज के बाद तू किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, उसे छेड़ने से पहले उसका साइज देख लिया करना। तुम एक लड़की से फाइट में हार गए? अरे नहीं, तरस खा के छोड़ दिया। हाँ, हाय, आई एम ऋतिक, हु यू, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू। एक्चुअली मुझे मेरे भाई के यहाँ जाना है। भाई? भाई कौन सा भाई? जहाँ तक मुझे खबर है वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। भाई भाई भाई, अरे हाँ, तुम एमके की दीदी हो ना, तुम उसी के बारे में पूछ रही हो ना? तो तुम उसे जानते हो? हाँ, वो तो यही रहता है। क्या वहाँ सामने? हाँ।
पर इस वक्त वो घर में नहीं है, मॉन्स्टर गिरी करने गया है। हाँ, वो घर में नहीं है, मेरे आने की खबर तो मिल गई होगी। जब तक वो घर नहीं आता मैं इस अजनबी शहर में क्या करूं? मैं बोर होने नहीं दूंगा, मेरे पास एक आइडिया है। उसके आने तक तुम मेरे घर पे रुक सकती हो। तुम्हारा उसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वो कब आएगा। तुम चलो 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 मेरे गरीब खाने में, तुम वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। यही ला इसके शूज। तुम्हारे यहाँ जमीन कितनी फीकी है। हमारी दुनिया में तो ऐसा ही होता है। अच्छी लग रही है पर अब नहीं। तुम्हारे घर में ना ही झूमर है और ना ही पेंटिंग, मतलब तुम्हारी फैमिली थोड़ी गरीब है। देख गुस्सा मत करिए, तेरे दोस्त की दीदी है। दीदी तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को तो मिलेगा। हाँ, ना कहो ना प्यार है, मतलब क्या खाओगी? एक कप कॉफी मिल जाए और उसके साथ कुछ नाश्ता तो हमारी पक्की वाली दोस्ती पक्की। यही ला पक्की वाली दोस्ती। हाँ, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अरे तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? शायद तुम भूल गए, हमें क्लास प्रोजेक्ट पूरा करना था। हाँ, यही ला भूल गया था। कोई बात नहीं, अभी पूरा कर लेते। ये कौन है? ये वो। अरे तुम लोग के यहाँ कॉफी काले रंग की होती है, हमारे यहाँ तो कॉफी लाल रंग की होती है, उससे कॉफी टेस्टी होती है। बाप रे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनो। ये मेरी बात सुनकर डर गई या मेरी शक्ल देखकर? अरे समझ क्यों नहीं रही हो, वो मेरे दोस्त की दीदी है। जैसा तुम समझ रही हो वैसा वो जो कोई भी हो एक नंबर की पागल है। लाल रंग की कॉफी भी भला कोई पीता है क्या? हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, वो थोड़ी पागल है। हाँ? तुम ये बताओ तुम मेरे घर प्रोजेक्ट पूरा करने चल रहे हो? यहीला कैसे जाऊँ, वो घर पर अकेली है। बाद में मिलता हूँ। ऋतिक सुनो तो, मेरा इतना बड़ा एहसास। ऋतिक मेरे दोस्त मेरे भाई, कहाँ है तू? तुम यहाँ? अरे मेरे छोटू भैया, कितना मिस कर रही थी तुम्हें। सच में? पर मैंने तो नहीं किया। तुम्हारी हाइट एक इंच नहीं बढ़ी। यही कहना है यो। अरे डेढ़ जाने कहाँ चला गया था तू? चल रहे जाने कहा था, तुम्हारी दीदी का ध्यान रखना तो मैंने सोचा। कितनी बार बोला ज्यादा सोचा मत कर। मुझे क्या, तुम्हें अपनी दीदी से इतनी प्रॉब्लम है। मैंने सोचा अगर इनका ध्यान रखूंगा तो तू खुश होगा, लेकिन मुझे क्या पता था तेरा इनके साथ 36 का आंकड़ा है। वैसे तुम्हारा दोस्त बहुत स्वीट है छोटे। तुम भी बहुत स्वीट हो सच्ची। बंद करो अपना ये ड्रामा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बबलू टबलू चबलू जल्दी आओ, मेरी खड़ोस दीदी आ चुकी है। अच्छा ये बताओ तुम में से जोजो कौन है? आंखें कमजोर हैं शायद। बताओ ना जोजो कौन है? आप ही गेस कीजिए ना। मेरी बिटिया रानी आ गई। दोनों दांत सलामत चाहती हो तो मुझे छोड़ मत। अच्छा बचपन में मेरी गोद में ही खेलती थी तुम, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। जानती हूँ, पर अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अपनी हिफाजत खुद कर सकूँ, इसलिए आप मुझसे दूर ही रहना नैनी। जरा सोचो अगर कोई डॉगी तुम्हारे पीछे पड़ गया तब तुम क्या करोगी मेरी बच्ची? लेकिन डॉगी क्या होता है? जरा इस बच्चे को देखो, ये भी एक डॉगी जैसा है और ये भी काटता है। मैं ना डॉगी हूँ ना बच्चा। देखा बेटी तुमने, ये दुनिया बड़ी खराब है और यहाँ पर बड़ा खतरा है। शायद आप ठीक कह रही हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो आपको इसी घर चले जाना चाहिए, वहाँ आपको कोई खतरा नहीं होगा। तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो चल रहे जा, पर मैं यही रहूंगी और मुझे पता है तुम मेरा ख्याल रखोगे। बोलो ख्याल रखोगे ना जोजो? हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो तो क्यों ना आज मेरे आने की खुशी में एक पार्टी की जाए दोस्तों। अरे वाह पार्टी। तुम्हें क्या लगता है मेरे छोटे अपनी दीदी को पार्टी नहीं दोगे, इतने दिनों बाद मिले हो? अरे हाँ देता हूँ देता हूँ, चलो मेरे चमचो पार्टी की तैयारी शुरू करो। करता हूँ बॉस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हसीन शाम हमारे बॉस की दीदी के नाम। शुरू करो। थैंक यू मेरे प्यारे छोटे भैया। ये सब देख के तुम अपना इरादा तो नहीं बदल रही हो ना, मतलब कल सुबह तुम वापस जा रही हो ना? बदतमीज़, मैं अभी अभी आई हूँ और तुम मुझे अभी से भगाने के बारे में सोच रहे हो? तुम कोई और तरीका नहीं समझती ना? मत भूलो मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ और मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना। अब मुझे नाराज मत करो, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है और तुम मुझे मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे। तुम तो मेरी समझ लो।
तुम चाहो तो अपने बाकी साथियों से पूछ लो, वो भी यही चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए मैं भी यही रहूं। जब से मैं यहाँ आई हूँ सबके चेहरे कैसे खिल गए हैं, और खिले भी क्यों नहीं, तुम्हारी बहन है ही होर की परी। हाँ है, तुम्हारी आँखें खराब है क्या? तुमने मेरा प्यार देखा है? गुस्सा नहीं हो गया, फिल्मी ड्रामा शुरू। अरे और क्या ये? तुमने तो किया नहीं। तुम यहाँ रह सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एमकी का भी कोई इतना बुरा हाल कर सकता है। एमकी और ऋतिक चले सैर पर। वाह क्या सीन है! मजा आ रहा है यार। हाय हेलो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम एक ना एक दिन मुझे मरवा के ही रहोगे। अच्छा तुझे सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगा? फिल्म में तो सबके सब मस्त थे यार। बड़ी होकर पैसा कमाओ फिर जंगल सफारी में जाना बेटा। जरूर जाऊंगा मॉम। क्या शरे क्या कर रहा है? बहुत बिजी है क्या? हाँ नहीं, होमवर्क तो कब का खत्म कर लिया, अभी तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। तो टाइम पास छोड़, मेरे साथ हाथी देखने चल। हैं? इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ये हमें कहीं भी ले जा सकता है। अगर हम अभी निकलने वाले हैं तो मैं जल्दी से मेरी मॉम को एक लेटर लिख देता हूँ। अभी आ। अरे यार हम नॉर्मल लोगों की तरह प्लेन वेन में नहीं जा सकते क्या? हाँ अरे तू भूल रहा है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जल्दी आ नहीं तो मैं चला। अरे यार थोड़ा रुक जा ना, अपनी मोम के लिए लेटर लिख रहा हूँ। मेरी मोम? मैं एमके के साथ घूमने जा रहा हूँ, सॉरी आपको बोल के नहीं जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। अरे पूरी बुक लिख रहा है क्या? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं अपना ध्यान रखूंगा। बैठ इधर, चलो जंगल की ओर। अरे बॉस डाइनो पर बैठकर कहाँ चल दिए? अरे जंगल की सैर करने। चिल्ला क्यों रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। पर बॉस आप वहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ चले गए तो वहाँ के जानवर डर जाएंगे। मैं जो जोर भेजा को बताता हूँ। बॉस जंगल की सैर पे गए? बॉस को तो यह भी पता नहीं कि जंगल में मंगल हो सकता है, मैं अभी जाकर उनको बताता हूँ और दंगल करता हूँ। हाय हाय आओ आओ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी दिन है, मैं दिन के उजाले में बाहर नहीं जा सकता, बॉस से मिलने के लिए गर्मी में नहीं तप सकता। अब तो हम रुकना ही पड़ेगा। कितनी गर्मी है, पानी लाना तो भूल ही गए। देख सामने चिड़िया आ रही है, उसके कोई ना कोई तो होगा। सामने बहुत ही घने बादल दिख रहे हैं। एक बोतल पानी मिलेगा क्या? गर्मी, मुझे छाव चाहिए, इस सूरज का ढक दो। अरे यार मेरे हो तो ये टेंशन क्यों ले रहा है? अरे एमके कुछ कर, कुछ तो कर। चल मेरे साथी, अपना हाथी दे दे, मतलब हाथ दे दे। आसमान से गिरा, इसके पैर में लटका। ऋतिक जरा नीचे देख, यही है हमारी मंजिल। हाँ एमके वहां देखो बर्फ। कितना मजा आ रहा, कितनी प्यास लग रही। ऋतिक मैं जानता हूँ तू जन्म जन्म का भूखा है, अब ये बर्फ खाना छोड़ और बता तू कौन से जानवर सामने से देखना चाहता है, बता बता। तू ही बता देना मैं किसे देखूं। ओके अभी बताता हूँ। अरे अरे तुमने अपना सुंदर चेहरा अलार्म घड़ी में क्यों बदल दिया एमके?
याइला। अरे यार मुझे नींद से किसने उठाया? ये चीता तो बोलता भी है। अरे क्या चीते भाई, तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? हाँ पहचान 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 कौन? तुम तो मॉन्स्टर वर्ल्ड के बॉस हो, पर तुम इतना छोटे कैसे हो गए? अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने कहा था कि तुम इस एरिया के राजा हो, लगते तो नहीं हो। मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हमें हाथी का देखने मिलेगा, द एलिफेंट। हाथी के बारे में चीते से पूछ रहे हो? ये तो बहुत नाइंसाफी है। फिर भी पूछ रहे हो तो वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें झुंड के झुंड मिलेंगे। झुंड के झुंड, चल रहे थे फटाफट चल। अरे अरे एमके रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ। दोबारा नींद खराब करने मत आना, संभल कर जाना। अरे अरे ये बर्फ तो पिघल रही है, पता नहीं ये नमूने कहाँ से चले आ जाते हैं और मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। याइला, ज़िम्रास। याहू। अरे तू डरता बहुत है यार, चल नीचे फटाफट आते। अरे गिर गया क्या? अरे देख मेरे भाई। अरे ऋतिक तू तो छुपा रास्ता निकला यार। अरे मुझे बचाओ एमके। डायनो तू जाके आराम कर, जरूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। याहू। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तू सच में ऐसा करेगा? हाँ। हाथी टेंशन नहीं तो अबे बैठे क्या? चल रही थी उसे टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे याइला कितना मजा आ रहा है, मुकट सवारी में तो आएगा ही। ऋतिक तू बात बात पे बेहोश क्यों हो जाता है? और क्या करूं? कौन हो तुम दोनों? हैं? तू एलिफेंट लगता है। लंबू टिंगू तुम्हें डराने का शौक है ना, ला इधर दे। अब देखता हूँ कैसे डराते हो। मैं कहता हूँ बंदूक छोड़ दे। नहीं 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 रुक जाओ। अरे इनसे दोस्ती करना फायदेमंद होगा, हम इस एलिफेंट मैन को सर्कस में बेचेंगे तो रातों रात मालामाल हो जाएंगे। वाह क्या आइडिया है। बच्चों तुम दोनों धूप में थक गए होंगे और भूख भी लगी होगी, क्यों ना तुम दोनों हमारे साथ हमारे कैंप में चलो, कुछ नाश्ता पानी हो जाए, क्या बोलते हो? इस मेहरबानी की वजह? अरे इसमें मेहरबानी कैसी, दो छोटे बच्चे जंगल में भटक रहे हैं तो उनको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, इसलिए हम उनकी मदद करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। अच्छा अब जल्दी जल्दी चलो, वो क्या है हमें बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है। हमें बहुत जल्द दूसरे को ठिकाने लगाना होगा। ठिकाने लगाने का काम मैं करूंगा। अच्छा तो मुझसे झूठ बोला तुम दोनों ने, ये झूठ तुम दोनों को बहुत भारी पड़ने वाला है लंबू टिंगू, याद रखना। तो तू हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है, तू हमसे नहीं बच सकता। ऋतिक मेरे साथ मजा आया ना? हाँ ऐसा मजा कभी नहीं आया। अब तू क्यों मुंह खोल रहा है, चल आगे देख। हाँ एमके वहां देखो आग, नीचे चल डायनो। लगता है कोई कबीले वाले है। आइला पपलू टपलू चपलू यहाँ पे। हाँ क्या बात कर रहा है? अरे हाँ देखना, दिखा नहीं देता क्या? कर लो हम ज़बान नहीं खोलेंगे। ये क्या मंजा। अरे वाह ये तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे भी खिलाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी। ये क्या पहचान की मजा है जा। मंजा।
छोड़ दो। इन कबीले वालों के पास इतना बड़ा रोबोट कहाँ से आया? एमके हिचकिया एंट्री मार के आपने हमारी हिचकिया हचकिया बिगाड़ दे। बड़ी मुश्किल से छोटा सा रोल मिला था, आपकी वजह से वो भी गया। गया। मैंने सोचा था इस फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ तो ये फिल्म हिट रहेगी, पर आप दोनों ने बीच में आकर शूटिंग रुकवा दी। मैं तो हीरो बनने से पहले ही जीरो बन गया। ऐसा मत कहो, तुम तो अभी हीरो हो, चल रेजा। बॉस, आपके दोस्त ऋतिक के पास की नजर बहुत कमजोर है, ये मुझे छोड़कर चल रेजा को हीरो बोल रहा है। मैं हीरो हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर हूँ, एक दिन ऐसी पिक्चर बनाऊंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। हमारे इतने बुरे दिन नहीं है कि हम तेरी पिक्चर देखें। ऐसा मत कहिए, सुपरस्टार बनने पर ऑटोग्राफ नहीं दूंगा। रीका शो रखेगा ना, तब भी कोई देखने नहीं आएगा। सही कहा बॉस, यह तो वक्त ही बताएगा। पता नहीं तेरा वक्त कब आएगा।